मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं वलय। वलय में मैंने कहा कि सबसे उत्कृष्ट पवित्र पावन वाक शुद्धि वाक सिद्धि पीठाधि मठाधि या बहुत बड़े गुरु प्रधान व्यक्ति होते हैं जिसमें गुरु वलय होता है सौ मंत्री। दिस इज जुपिटर्स, दिस इज सैटर्न्स एंड दिस कॉजेस फॉर सन्स। तो इसके अधिपति होते हैं सूर्य। अब देखिए वलय, अगर यहां वलय हो किसी का, बहुत सारे लोगों की दृष्टि में वलय अच्छे समझते हैं, किंतु गुरु वलय, चंद्र वलय, शुक्र वलय मात्र भले वलय होते हैं, शेष वलय एकदम बुरे। मैंने जितने सच्चिल को अच्छे चरित्र के बारे में, जिस आत्मविश्वास के बारे में, जिस पदवी के बारे में, जिस विद्या के बारे में, कला निपुणता के बारे में, जितने भी अच्छे अच्छे कारक सूर्य के बारे में बताए गए, वे अच्छे कारक एकदम उलट जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। नाची विजय कब वलय हो तो आधा वलय जैसा दिखाई पड़ता है, पूरा वलय उधर रहता है। कितने लोगों को ये शनि वलय और सूर्य वलय दिखाई पड़ता है? बहुत कम लोगों को। हजार लोगों को देखेंगे आप, एक व्यक्ति को दिखाई पड़ा तो भी बस, मगर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। गुरु वलय वाले मिलते हैं। किसी शास्त्र के पास जाइए, ज्योतिष के पास जाइए, पौरोहित के पास, पुरोहित के पास जाइए, पुजारी के काम करने के वाले के यहाँ जाइए, उनके यहाँ वाले होते हैं। ये वाले होने से वाक शुद्धि वाक सिद्धि आशीर्वाद पर बस। आशीर्वाद को उनके अच्छे आशीर्वाद कहां से जाते हैं? गायत्री का मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के नित्य आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके चिंतन करते हैं। वैसे एक सज्जन के लिए वाक शुद्धि वाक सिद्धि क्यों नहीं होती है? अवश्य होती है। इसलिए गुरु जातकों में ही वलय ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, अन्य जातकों में नहीं। कदाचित काश दिखाई पड़े, शनि वलय भी बुरा है, उससे भी बुरा है सूर्य वलय। कारण इनके पूरे कारक एकदम गायब हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, यानी एक निकम्मा जैसा रहेगा, अक्षरहीनता, यानी विद्या आती ही नहीं, नौकरी करते ही नहीं, एकदम लेजी, सुस्त, आलसी, सोना खाना सोना, इसके सिवे दूसरा काम उसके लिए होता ही नहीं। ऐसे दुर्गुण, ऐसे दुर्लक्षण, ऐसा कुचरित्र जिन सूर्य जातकों के अनामिका अंगुली के नीचे वाले दिखाई पड़े, तो तभी कहना जैसे चाहे वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसा अगर कहेंगे, किसी एक गोल फिरी हुई रेखा को देखकर अगर वाले कहेंगे तो शास्त्र का द्रोह हो जाएगा। पूर्ण रूप से दिखाई पड़े तो ही तब बताना चाहिए। और सबसे बड़ी और अच्छी रेखा के बारे में मैं बताऊंगा भैया। अगर कोई एक रेखा, वो भी दीर्घ रेखा, ऊर्ध्व रेखा, खड़ी रेखा, निर्दोष, सरल, सहज, सरस, सजीव रेखा अगर यहां दिखाई पड़ी, कह दीजिए कि अच्छी नौकरी करेंगे। हो सकता है आजकल की भाषा में देश काल परिस्थितियों की दृष्टि से सरकार की नौकरी भी इनको मिल सकती है, या ऐसी नौकरी करेंगे जिसके कारण, जिस आय के कारण दूसरों के सामने हाथ पसारने की स्थिति कभी कदाचित आती ही नहीं है, वैसे स्थिति ही नहीं होती है।
एक लंबी लकीर बस है। अगर दो हो, यहां अगर दो रेखाएं हो, भगवान की कृपा से नालिका रेखाओं के जिस प्रकार मैंने जातक चिन्ह बताया, अगर ऐसा केंद्रीकृत नालिका रेखाएं सूर्य स्थान में, सूर्य पर्वत में अगर दिखाई पड़े और एक दो लंबी रेखा अगर दिखाई पड़े, तो डेन बोल दीजिए, कह दीजिए, विश्वास दिलाइए कि आप सूर्य जातक हैं। बस ये दो रेखाएं, यानी ये दो रेखाएं खड़ी रेखाएं क्या करते, जातक की बात तो छोड़ दीजिए, दो लंबी रेखाएं तो है मगर ये चिन्ह नहीं। हाँ, सूर्य जातक नहीं हो सकते, मगर तब ये लंबी रेखाएं क्या करती है, ये खड़ी रेखाएं क्या उपकार कर सकती है, कैसे लक्षणों को देते हैं। अच्छी नौकरी करेंगे, बहुत अच्छी नौकरी, एक नौकरी नहीं, दो दो विद्याओं में ये पारंगत होते हैं, पार्ट टाइम में कहीं का पूरी नौकरी एक जगह करते हैं, चुप नहीं रहते हैं, अधिक कमाने के लिए, अधिक धन प्राप्ति के लिए घर आने के बाद ऑफिस से विश्रांत होकर घर लौटने के तदनंतर और कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। यानी दो दो कार्य, दो दो काम, दो दो नौकरियां दुगने के तब प्रभाव के होते हैं। समझिए, अगर भाग्यवश इस रेखा में चाहे एक को अगर एक त्रिभुज आ गया, समझिए केवल नौकरी करना ही नहीं, ऊंची पदवी में रहना ही नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ना ही नहीं, सम्मान ही सम्मानित ही सम्मानित होना नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन चलना ही नहीं, काफी प्रतिष्ठा मिलती है, एंड दैट पर्सन विल बी एश्योर ऑफ द मैटर, ही विल बी अवॉर्डेड गुड रिवॉर्ड्स, गुड अवॉर्ड्स, द एंटायर पीपल विल अप्रिशिएट लाइक एनीथिंग। इतनी प्रशंसा होती है कि बहुत से बहुमत मिल जाएंगे इनके लिए, बहुत से भेंट मिल जाएंगे, भेंट वाले फुकट देने की नहीं है, एक अच्छा नाम आ जाएगा, अच्छे काम करने वाले होते हैं सूर्य जातक अगर त्रिभुज हो। क्यों ऐसी प्रतिष्ठा मिलती है, क्या मूल्य है क्या? नहीं नहीं, सेवा भाव से तत्पर होकर, संलग्न होकर, डिवोटी जैसे समर्पण भाव से नौकरी करने वाले होते हैं। अरे भाई, आपके लिए छाया अपने आप आपके पीछे आती है, अच्छे काम करते जाइए, अच्छी कीर्ति अपने आप, चाह चाह कर अगर कीर्ति को चाहेंगे तो कीर्ति मिलती नहीं है, दैट विल बी परचेज, नो नो नीड टू परचेज, अपने आप अगर छाया जिस प्रकार आती है उसी प्रकार सेवा भाव से अगर नौकरी करेंगे, प्रभुता संतुष्ट होगी, सरकार संतुष्ट रहेंगे, अच्छे अवार्ड मिलेंगे, अच्छा रिकॉग्नाइजेशन उनको मिलेगा। ये कौन सा चिन्ह बताता है? ये खड़ी रेखा में त्रिभुजाकार का संयोग के में विश्रांत है, एक दूसरी रेखा आ गई उसमें भी त्रिभुज आ गया, उसमें तो विश्रांत है, बहुत से अवार्ड उनके मिले हैं, रिटायर हो गए हैं, दूसरी नौकरी लग गई, जो नौकरी दूसरी करते हैं जिस वृत्ति में और तदंतर भी रहते हैं तो उसमें भी काफी नामी होंगे, इस कारण प्रतिष्ठा बढ़ती है, सर्वे सर्वत्र सम्मान ही सम्मान होता रहता है, उनका स्वागत है, स्वीकार्य है, वो भगवान की कृपा है, सूर्य जातकों के लक्षण होते हैं, दो दो रेखाएं होती हैं, उसके नीचे दो दो त्रिभुज होते हैं, कितने नामी होते हैं, दिग्दिगंत तक उनका नाम की व्याप्ति होती है उसकी, दिग्दिगंत तक, दश दिशाओं में, आठ दिशाएं नहीं, ऊपर एक दिशा नीचे एक दिशा, दोनों को मिलाकर दश दिशाएं होते हैं, दश दिशाओं में बस इसका नाम फैल जाता है, जहां कहीं जाएंगे सम्मानी सम्मान उठकर खड़े होकर उनके स्वागत हेतु तालियां बजाते हैं, वे हैं सूर्य जातक। ठीक है,
अब देखेंगे एक बार खड़ी रेखाएं हो गई। अगर इन खड़ी रेखाओं में अब एक रेखा ऐसी है, एक खड़ी रेखा, मैंने कहा कि अच्छी नौकरी लग जाएगी, प्रतिष्ठा अच्छी होगी। अगर समझो ऐसा ही एक जरा आधा गोल फिरा हुआ चिन्ह यानी अर्धवलय जैसी टेढ़ी रेखा यहां अगर दिखाई पड़ी तो इसको रिकॉग्नाइजेशन मत बताइएगा। ये है यहां से लेकर, यद्यपि ये प्रयत्नशील है नौकरी के लिए, कुछ अकुछ पदवी करने के लिए बाधाएं, आतंक, आपत्तियां, विपत्तियां, रुकावट आ जाती हैं, ये रेखा उसका चिन्ह है। इस आयु तक निकम्मा रहता है, कोई नौकरी नहीं कर सकता है। उसके बाद रेखा अच्छी है ना, हाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसके नीचे त्रिभुज है ना, हाँ त्रिभुज भी है, देर से नौकरी मिलेगी, किसी न कोई किसी न किसी पदवी को अलंकृत करने के लिए समय कुछ अधिक लग सकता है, किंतु बाप जो नौकरी करते हैं उस नौकरी को डिवोटी के रूप में करते हैं, काफी प्रतिष्ठा होती है, काफी अवार्ड्स उनको मिल जाते हैं। समझो कि कुछ लोगों को यही रेखा यहां न होकर प्रारंभ से न होकर बीच में से हृदय रेखा तक आधी रेखा है, बहुत समय तक लगभग 35 साल तक उनकी नौकरी नहीं होती। एक काम करते हैं छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, 6 महीने काम करने के लिए फिर छोड़ देते हैं, यानी पार्ट टाइम के काम कुछ करते रहेंगे। जब से एक लकीर लंबी रेखा तक जाती है तभी परमानेंट जॉब, स्थायी रूप से कोई ना कोई पदवी मिल जाएगी, उस पदवी से काफी प्रतिष्ठा भी मिलेगी। बस देखने के बाद, इंतजार करने के बाद, बहुत प्रतीक्षा के बाद ही उनको नौकरी मिलेगी। श्रद्धा से काम बेचारा करेगा ही, अरे परिवार का पालन पोषण भी करना है, बच्चों का पालन पोषण भी करना है, उनके सिर पर बहुत से गुरुतर भार होते हैं, उन भारों को संभालना है। आखिर जाकर पुरुष है ना, पुरुष हो या स्त्री हो, ये संभालने वाले है ना, 4 पैसे कमाए, परिवार को सुखी रखे, स्वयं सुखी रखे, हर एक की इच्छा होती है। ऐसी इच्छा कब पूरी होगी, आधी आयु कम से कम 30 आयु के बाद ही। कुछ लोग ऐसे रहते हैं एकदम 18 साल से ही, 21 साल से ही छोटी आयु से नौकरी करते हैं, बहुत प्रॉब्लम से ये रहती दिखाई पड़ती है, हमें ये रेखा दिखाई पड़ती है। मतलब इसको देखकर बता सकते हैं कि बहुत ही जल्दी आप नौकरी पर आए, ये कह सकते बस इसको देखकर बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जीवन रेखा से अगर बुद्धि रेखा थोड़े रखकर एकदम छूटकर दूसरे रास्ते से यानी अलग होकर चलते तो बहुत कम उम्र में ही अपने टांगों पर आप खड़े हो जाएगा, कुछ ना कुछ कमाते रहेगा। इस रेखा को देखने की भी आवश्यकता है, नौकरी की रेखा को, पदवी की रेखा को। बुद्धि रेखा कब दूर हुई है उसे भी देखना पड़ता है। बुद्धस्थान की रेखाएं क्या करती है, लंबी रेखाएं, बुद्धिशाली है, विद्याशील है, विनयशील है, ठीक है। इन तीनों रेखाओं को देखकर बता सकते हैं कि कम उम्र में ही आप नौकरी पर आए हैं और अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, जी कर रहे हो बेटे, आपका भला होगा ही, भगवान की दया होगी, बड़ों का बड़ों के साथ हुआ आपके साथ होंगे, ऐसे कहिएगा। तो इन तीन रेखाओं को देखने की जरूरत है। विद्या की योग्य पदवी है क्या, हाँ विद्या रेखा को भी देखिए, यानी विद्या रेखा को देखें, बुद्धि रेखा को देखें, बुध पर्वत पर अच्छी रेखा है क्या उन्हें भी देखें, सूर्य स्थान में एक खड़ी रेखा है उसे भी देखें, क्या उसके नीचे त्रिभुज है ये देखिए। इन चारों रेखाओं को देखकर कह सकते हैं एक सज्जन है, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, ठीक है ये बता सकते हैं।
लंबी रेखा ही नहीं, कभी कभी शाखा वाली रेखा, ये रेखा शाखा मत समझिए कृपया, वहां तक आतंक बताते हैं। बीच से ऐसे जो लंबी लकीर है, अगर बीच से कोई शाखा दिखाई पड़ती है, नौकरी से हटना नहीं, नौकरी से घटना नहीं, किंतु नौकरी में प्रगति, प्रमोशन, पदवी की उन्नति ये होती है। तो इसको कहिएगा शाखा वाली रेखा प्रगति का चिन्ह है। किसी भी ऊर्ध्व रेखा में शाखा रेखाएं हो, त्रिगुणात्मक तीन तीन शाखाएं आते हैं, त्रिशूल रेखाएं जैसी, अगर इस रेखा के अतिरिक्त अगर किसी स्थान में अगर ऐसी रेखाएं दिखाई पड़े तो इसको त्रिशूल रेखा कहते हैं। पदवी नौकरी ऐसी बातों को बाद में रखकर कहिएगा, किसी शास्त्र में मुख्य रूप से ज्योतिष, सामुद्रिक, संख्या, छाया पुरुष लक्षण, केश शास्त्र, अंग शास्त्र, तिल शास्त्र, किसी एक शास्त्र को लीजिएगा, एक शास्त्र के प्रवीण रहेंगे, सिद्धहस्त रहेंगे, जो कहेंगे सो सत्य होकर बैठेगा, सही होकर रहेगा, उनकी भविष्यवाणी में तथ्य रहेगी, तथ्य रहेगा, यानी जो कुछ कहेगा सो होकर रहेगा। किसको देखकर, किस निशान को, किस चिन्ह को देखकर, त्रिशूल चिन्ह को देखकर। इसी में त्रिशूल नहीं कह रहा हूं, इस रेखा में अगर इसमें भी त्रिशूल है तो डबल प्रमोशन एक ही पदवी में, यहां हो ऊपर ना हो, ऊपर आतंक दिखा दिए तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। मित्रों, अगर इस स्थान में किसी को अगर आड़ी रेखा दिखाई पड़ी, आड़ी रेखा खड़ी नहीं, समझो बस आतंक ही आतंक। आड़ी रेखा का मतलब ही आतंक रेखा है। नष्ट बहुत होगा क्या? नष्ट बहुत ऐसा तो नहीं कह सकता हूं, कष्ट अधिक होंगे। एक नौकरी करेंगे 3 महीने तक, अधिकारी बुलाएंगे, आपका काम हो गया, दूसरी नौकरी ढूंढने के परसों से आने की कोई आवश्यकता नहीं, दूसरी नौकरी मिलेगी कोई ना कोई, उसमें उस नौकरी में कब तक रहेंगे? 6 महीने तक, कभी कभी तो 1 महीने तक ही काम करना पड़ता। आपका काम आपकी कमाई, बस कभी कभी ऐसा भी चलता है, ऐसे एक के दुखे आड़ी रेखाएं हो तो एक के दुखे, समझो कि सीढ़ी जैसी रेखाएं हैं, सूर्य स्थान में दाएं की ओर 1, 2, 3, 4 आड़ी रेखाएं हैं, किस ओर चल रही है ये आड़ी रेखाएं? ऊर्ध्व की ओर, अंगुली की ओर। ये कठिनाइयों के चिन्ह नहीं है, ये आपत्तियों के चिन्ह नहीं है, क्या करते हैं? प्रगति के चिन्ह है। कैसी प्रगति? सीढ़ियों जैसी प्रगति, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी। अगर ऐसी सीढ़ियां रहेंगी, निशेनी रेखा कहते हैं, निशेनी चिन्ह बोलते हैं इसे, ऐसा चिन्ह अगर इस स्थान में दिखाई पड़े, यदि समझिए कि जो नौकरी कर रहे हैं, जिस पदवी में है, जिस वृत्ति को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उसकी शोभा बढ़ती है, प्रगति बढ़ती है, निरंतर तरक्की होती ही रहती है, उसकी जहां कहीं चले सम्मान होता है।